तो हम लोग पोटेंशियल कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन में भी उसी तरह से हम लोग जब पढ़े तो वहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे। सिमिलरली यहाँ भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, राइट। तो जैसे कोई भी पॉइंट चार्ज है, कोई भी पॉइंट चार्ज क्यू है, क्यू के कारण किसी भी पॉइंट पी पर, क्यू के कारण किसी भी पॉइंट पी पर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, के मान लेते हैं ये आर डिस्टेंस है, टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स द चार्ज। उसी तरह से पोटेंशियल क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर, ये स्केलर क्वांटिटी है, दिस वन इज योर वेक्टर क्वांटिटी। ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरह से हम लोग पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, पोटेंशियल जब डिफाइन किए थे तो हम लोग क्या डिफाइन किए थे, चेंज इन पोटेंशियल। तो सिंगल किसी पॉइंट का पोटेंशियल डायरेक्टली हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसमें एज्यूम करना पड़ता है कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है, यानी डिफाइंड टर्म क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। डिफाइंड टर्म क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। किसी एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या कोई कहे डिफाइन करने के लिए तो डायरेक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल में मेरा क्या एग्जिस्ट करता है, चेंज इन पोटेंशियल। उसी तरह से यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी भी किसी पॉइंट का हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइंड है टर्म, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी पॉइंट का यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो रहेगा। किसी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो जीरो, क्योंकि सिंगल किसी पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। टर्म क्या डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टर्म डिफाइंड है, राइट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किए थे, पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग क्या देखे थे कि इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया गया, इन्फिनिटी से किसी जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना रहता था, व्हाट यू आर डूइंग, इन्फिनिटी से उस पॉइंट चार्ज को लाने में जो एक्सटर्नल मेरे द्वारा हमेशा वर्ड यूज किस लिए करता हूँ, एक्सटर्नल वर्क डन, मेरे द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो उस पॉइंट क्या क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। इसी तरह से हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन किए थे, यानी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कैसे हम लोग डिफाइन किए थे, डेल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसे सब चीज़ें को बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं बोलना है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपके फंडामेंटल क्लियर रहेगा, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ भी हम लोग यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन करेंगे, ध्यान देने की बात क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बेसिक जो 9th से हम लोग पढ़ते आए, पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब कि दो चार्ज, जैसे दो मास हैं, दो मास के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दोनों मास को इधर उधर रखने के, उसको पोजिशन चेंज करने के कारण पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। जैसे ये मेरा पेन है, ये पेन है, ठीक है, इनिशियली ग्राउंड से 10 मीटर पर हाइट पर है, अब इसको उठाकर मैं ऊपर ले गया 15 मीटर हाइट, क्या किया मैंने, काइनेटिक एनर्जी, इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कोई विदाउट स्पीड, यानी इतना वर्क डन जो हो रहा है यहाँ पर, क्या ध्यान देने की बात क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। जिस तरह से हम लोग पोटेंशियल डिफाइन किए थे, पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ भी आप ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे लेके आ रहे थे कि वेलोसिटी उसका इंक्रीज नहीं करे। चेंज इन पोटेंशियल में हम लोग क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या ध्यान दिए थे
कि विदाउट कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आना है, नहीं तो क्या होगा, एनर्जी जो होगा आपको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां भी यूज हो जाएगा। तो जिस तरह से चेंज इन पोटेंशियल हम लोग डिफाइन कर देते, जहां पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो कंसीडर कर देते, सिमिलरली यहां भी जब पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ आप डिफाइन कर रहे होंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो रहेगा। तो दो मास को जिस तरह से आप सजाइए, यानी सजाने के कारण जो एनर्जी डेवलप हो, कन्फिग्रेशन कहने का मतलब क्या, उसका पोजिशन वी कैन ऑल्सो से, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, इसका हम पोजीशन यहाँ चेंज कर दिए विदाउट चेंज इन, यानी ध्यान देना है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी जो भी चेंज होगा, राइट। तो कोई भी जैसे ब्लॉक है, पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज के कारण इस पोजीशन को चेंज करने में जो वर्क डन मेरे द्वारा किया जाएगा, पोजीशन तो ऐसे तो चेंज होगा नहीं, फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी आर निकालना पड़ेगा, पोजीशन तो अपने आप चेंज होगा नहीं, आपके द्वारा कोई वर्क डन करना पड़ेगा आपके द्वारा, तभी पोजीशन चेंज होगा। तो जो आपके द्वारा वर्क डन किया जाएगा वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसमें फोर्स लगाया, ऐसा फोर्स लगाया कि वेलोसिटी इसका कांस्टेंट रखते हुए ले गया, पोजीशन इसका चेंज हो गया। तो मेरे द्वारा जो वर्क डन किया गया, दिस वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये फाइनल हो गया पोजीशन, दिस इज योर इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह से हम लोग फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफाइन करते थे, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, राइट। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहती है, ये तो हो गया भाई वर्क डन का, रियल में जब हम लोग जब एनर्जी पढ़ रहे थे 11th क्लास में, वहाँ भी ये सारे टर्म हम लोग डिफाइन किए थे। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग क्या डिफाइन किए थे, वर्क एनर्जी को मिटा दो बेटे, वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो फोर्सेस को दो टाइप में, कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। टोटल वर्क डन क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही वर्क एनर्जी थ्योरम। और टोटल फोर्सेस कौन कौन सा हो गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सारे क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या ध्यान देना है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो पार्ट पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी कोई दो पॉइंट है ए और दिस इज ए एंड दिस इज बी, किसी भी रास्ते से जाइए, किसी से रास्ते से जाइए, जैसे भी जाइए, सबके कारण वर्क डन सेम होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण क्या होता है, वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन पार्ट, वो कौन कौन सा फोर्सेज हैं, स्प्रिंग फोर्स जो अभी तक पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे क्या हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी मेरे द्वारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जैसे फ्रिक्शन फोर्स वहां पर थे मैकेनिक्स में, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब ध्यान देने की बात क्या है, जब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी से कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, राइट, कांस्टेंट वेलोसिटी से कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं। तो दिस टर्म राइट हैंड साइड का टर्म जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे तो जीरो रहेगा, अंडरस्टूड।
यहाँ पर क्या हो गया, कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दोनों में रिलेशन क्या हो गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस साइन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आपको ध्यान होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइन किया था वहां भी इस कॉन्सेप्ट को रिपीट किए थे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो वर्क डन होता था उसके अपोजिट डायरेक्शन हम फोर्स लगाते थे। क्या होता था, चार्ज था ठीक है प्लस क्यू चार्ज, एक टेस्टेड चार्ज लेके आए, दोनों यदि पॉजिटिव चार्ज है यदि छोड़ देंगे तो क्या होगा, रिपेल होगा, अपने आप भागने लगेगा, अपने आप भागने का मतलब उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो उसको रोकने के लिए हमने क्या किया कि उसके जितना फोर्स लग रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाया, उतना ही लगाया जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, सो डैट कि वो धीरे धीरे जाए, नहीं तो जैसे ही छोड़ेंगे फटाफट न भाग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्क डन हो रहा था वो क्या हो गया, कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मेरे द्वारा जो वर्क डन हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन, दोनों वहां देखे थे ना, वर्क डन बाय आप एक्सटर्नल एजेंट निकालकर लास्ट में माइनस साइन लगा दिए थे, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इस तरह से हम लोग डिफाइन किए थे। मान लो उसी तरह से यदि आप उल्टो हो गया एक्सटर्नल एजेंट पूछ देता वहीं पर कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, तो माइनस साइन लगा देंगे, काम खत्म। वहां भी देखे थे प्रॉब्लम जो डिस्कस किए थे, वर्क डन बहुत सारे प्रॉब्लम में पूछा था, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल में प्रॉब्लम जो सॉल्व किए थे। तो ये ध्यान देने की बात है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दोनों का वैल्यू सेम होगा, सिर्फ माइनस साइन अब लगा देना होगा, इसमें माइनस यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस 5 जूल आ रहा है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस माइनस 5 जूल, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन कर रहे हैं या चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर रहे हैं वहां पर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी कांस्टेंट रहने के कारण चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, दैट्स व्हाई इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं ठीक। अब उसी समय मैंने ये भी बताया था पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन किया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल लिख लिए बेटे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन किया था वो क्या था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस साइन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू इक्वल टू माइनस साइन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये दिमाग में पक्का सेट रहना जरूरी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वी कैन से और क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय प्लस साइन, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दोनों में डिफरेंस क्या है, माइनस साइन का, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एक याद रखिए, इसको क्या है कि दोनों की याद रखिए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ऊपर वाला की याद रखिए, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा पूछेगा तो प्लस साइन लगा दीजिए, वर्क डन इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और व्हाट यू कैन से माइनस साइन नेगेटिव साइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही बेसिक कॉन्सेप्ट यही डिफाइंड है, ये तो फिर डिराइव करके हम लोग देखे हैं, ये तो ड्राइव करके आया है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रखे हैं और तो वहां चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस साइन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो हो गया एक्चुअल डेफिनेशन। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी डिफाइन कीजिए, मैकेनिक्स में डिफाइन कीजिए या ग्रेविटेशन में डिफाइन कीजिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिफाइन कीजिए, ये क्योंकि फिजिक्स सब जगह सेम है, डिफरेंस क्या है कि वहां पर मास की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर चार्ज की बातें कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रेविटेशन में 2 मास के कारण देखे थे, यहाँ 2 चार्ज के कारण देखेंगे। और खासियत क्या है, ध्यान देने की बात क्या है, चेंज इन पोजीशन वर्ड यूज नहीं होता है, ये सब 9th में जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो गया उसके कारण पोटेंशियल चेंज होगा, दैट वर्ड इज नॉट एक्यूरेट फॉर 11th और 12th,
अब क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन वी कैन से, नॉट चेंज इन पोजीशन। यानी जो दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को जिस तरह से विदाउट चेंज इन उसके वेलोसिटी को चेंज किया, जैसे ये इनिशियल पोजीशन है राइट, आप इसको लाके ऐसे, ये दिस इज योर फाइनल पोजीशन। तो ये क्या है, ये दोनों मास को हम क्या करें, सजा रहे हैं, पोजीशन चेंज नहीं कहलाएगा, क्या होगा उसकी सजावट, कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, वी डू नॉट से कि चेंज इन पोजीशन, दैट इज नॉट एक्यूरेट वर्ड। एक्यूरेट वर्ड क्या हो गया, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अब देसी भाषा में कॉन्फ़िगरेशन कैसे समझेंगे, दो ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम सजा के रखते हैं, उस सजाने के क्रम में आपके द्वारा कितना वर्क डन किया जा रहा है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अपने आप तो सजेगा नहीं, उसको सजाने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है। घर में कैसे ऑब्जेक्ट सारा रखा हुआ है, रैंडम फेंका हुआ है, तो आप उसको सजाते हो, सजाने के लिए आप काम करते हो, तो जो काम आप करते हो वही क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली मान लो बेड पर सब ये दो किताब इधर फेंका हुआ, दो किताब इधर फेंका हुआ, दो इधर फेंका हुआ, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। आप उसके बाद क्या करो, सारे को उठाकर एक पर रख दो, तो आपके द्वारा जो क्या किया आपने, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। यू डू नॉट से कि पोजीशन चेंज किया, राइट बेटे। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिट टू और जूल रहेगा एनर्जी है। अब आगे बढ़े हम लोग, अब और थोड़ा सा और डेप्थ में आप समझें अच्छी तरह से। ये तो हो गया भाई कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये सब है। अब चलो एक्चुअल प्रॉब्लम पे हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन किया गया है, ठीक है, पहले एक चार्ज के कारण देखते हैं कैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे, व्हाट इट्स वैल्यू। जब दो चार्ज आएंगे तब कैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे, तीन चार्ज आएगा तब कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि दो चार्जेस हम लोग कंसिडर किए, मान लो ये Q1 चार्जेस है, ये Q2 चार्जेस, ये R पोजिशन पर ला के इसको रखा गया है, दैट इज फाइनल कन्फिग्रेशन। ये क्या है, फाइनल कन्फिग्रेशन। ये क्योंकि हमेशा इसमें ध्यान देना है पोटेंशियल एनर्जी में कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, इनिशियल कन्फिग्रेशन दोनों कैसे थे, चाहे जो भी है, दो चार्ज रहे, तीन चार्ज रहे, जो भी रहे, इनिशियली उसका क्या कन्फिग्रेशन था और फाइनल क्या कन्फिग्रेशन है। तो मान लेते हैं ये फाइनल कन्फिग्रेशन, दो चार्ज है, दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है, ये कैसे आया, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने एज्यूम किया कि दोनों चार्जेस इन्फिनिटी पर है इनिशियल कन्फिग्रेशन में। इनिशियल कन्फिग्रेशन में क्या है कि दोनों चार्जेस को मैंने क्या समझा कि इन्फिनिटी पर है, चाहे एक चार्ज को इन्फिनिटी पर कंसिडर कर लेते हैं। इनिशियल कन्फिग्रेशन क्या हो गया कि वन चार्ज ये हो गया और दूसरा चार्ज Q2 जो है R इक्वल टू इन्फिनिटी पर है। तो कैसे, जैसे हम लोग पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन करने कर रहे थे, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट डिफाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसे डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते थे। वहाँ भी हम लोग क्या देखे थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या देखते, U V फाइनल माइनस V इनिशियल, टू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो कंसिडर कर लिए थे, तभी कि एट ए पॉइंट पोटेंशियल हम लोग डिफाइन कर सकते थे। सिमिलरली यहाँ भी क्या करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट हम ऐसे डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, तो क्या किए कि एक चार्ज को हमने कंसिडर किया इनिशियल कन्फिग्रेशन इन्फिनिटी पे है, राइट, और इसको यहाँ से उठाकर इस पोजिशन पर लेके आया गया। क्या किया गया, इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने के लिए, ये मान लो कि वन है और Q2 मेरा इन्फिनिटी पर है, राइट। तो इस Q2 को, दिस इज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इस Q2 को मेरे द्वारा लाने में
यानी चेंज इन वेलोसिटी नहीं ध्यान, वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। इस Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो मेरे द्वारा वर्क डन किया जाएगा दैट इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो वी कैन से इसको कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यदि मेरे द्वारा होगा तो प्लस साइन आ जाएगा। एक्चुअल हम कैसे डिफाइन करें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस साइन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एसेंट प्लस साइन के साथ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वी कैन राइट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसका मीनिंग यहां पर क्या है कि आपसे क्या पूछ रहा है, आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। Q1 चार्ज यहां पर है, r डिस्टेंस पर Q2 चार्ज है, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आप डिफाइन करने जा रहे हो। तो इनिशियल कंफिगरेशन आपने देखा Q1 को यहां रखा, Q2 को इन्फिनिटी। अब इसको धीरे धीरे हम लेके आ रहे हैं विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, धीरे 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 उठा के लेके आ रहे हैं और r डिस्टेंस पे लाकर इसको रख दिए, r डिस्टेंस पे लाकर रख दीजिए। तो मेरे द्वारा जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पर कंसीडर करेंगे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी इस कंफिग्रेशन में जब दोनों इंफिनिटी पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये दैट ये क्या है, इनिशियल कंफिग्रेशन, ये इनिशियल कंफिग्रेशन एंड दिस वन इज योर फाइनल कंफिग्रेशन, फाइनल कंफिग्रेशन। यहां एज्यूम किए कि इनिशियल कंफिग्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इनिशियल कंफिग्रेशन में। तो यहां आप चेंज को हम कैसे लिख सकते हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है बेटे। अब उसके बाद वर्क डन, अब देखो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज थोड़ा सा मैं कर देता हूँ और अच्छी तरह से समझाने के लिए। ये जो फाइनल कंप्रेशन पे दोनों चार्जेस जो आए हैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें। इनिशियल कंप्रेशन हम क्या सोच रहे हैं कि दोनों चार्जों को हम इन्फिनिटी पर रख दिए, पहले मैंने यहां लिया था ना, इसको और आसान करने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि जीरो कंसीडर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ा, दोनों को इन्फिनिटी पर रख दिए, कोई काम ही नहीं हुआ। इनिशियल कैलकुलेशन क्या है, दोनों चार्ज इन्फिनिटी पर है, इस तरह से अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो ये जब दोनों चार्ज इनिशियली इन्फिनिटी पर रहेंगे तो आप कैसे ये डिफाइन कर रहे हैं, दोनों चार्ज को यहाँ पे इन्फिनिटी पर रखा हुआ है Q1 Q2 और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो एज्यूम कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज इन नहीं करेंगे इसको, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू जीरो, दोनों इन्फिनिटी पर है एज्यूम किया गया, रियल में चीजें मान मैथमेटिक्स में मानना ही है ज्यादा। अब क्या कर रहे हैं ध्यान से समझने का, इस कॉन्फ़िगरेशन में दोनों चार्ज को लेके आना है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना रखना है, r डिस्टेंस। पहले क्या किए, Q1 चार्ज को लेके आए, धीरे 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 लाके कहीं रख दिए। तो Q1 चार्ज को लाने में जो मेरे द्वारा वर्क डन हुआ एक तो ये हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद Q2 को धीरे धीरे लाए और r डिस्टेंस पर लाके छोड़ दिए, यानी दोनों चार्ज को कैरी कर रहे हैं। पहले फर्स्ट Q1 को लेके आए वर्क डन बाई मी, फिर Q2 को लाए वर्क डन बाई बी, यानी दो तरह के यहाँ पर वर्क डन हुए। यहाँ पे जब लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग द चार्ज Q1, पहले Q1 चार्ज को लाने में जो मेरे द्वारा वर्क डन किया गया, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग द चार्ज Q2। दोनों जो वर्क डन का सम क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया, पहले क्या किए
ये पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेज है Q1 Q2 r डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर फाइनल कॉन्फिगरेशन। इनिशियल कॉन्फिगरेशन में दोनों चार्ज कहाँ हैं? इन्फिनिटी पे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं। तो कैसे अब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा? यहाँ ये तो चार्ज है नहीं, कहाँ है पहले? बहुत दूर है। तो इस कॉन्फिगरेशन में लाने के लिए क्या करना पड़ा? पहले Q1 को ढो के लेके आए, रख दिए कहीं भी, फिर उसके बाद Q2 को ढो के लाए, r डिस्टेंस पे छोड़ दिए। दोनों को लाने में जो मेरे द्वारा काम होगा उसका सम क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और एक्सटर्नल के द्वारा हो रहा है इसलिए प्लस प्लस प्लस। तो अब यहाँ पर फाइनल ये इनिशियली क्या है? ये तो जीरो जूम किए हुए हैं, तो यू फाइनल क्या हो गया? ये तो जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पे डिफाइंड है इनिशियल कन्फिग्रेशन। दैट विल बी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? वर्धन बाई एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग द Q1 प्लस वर्धन बाई एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग द चार्ज Q2। अब दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी ना निकलेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला जो निकलेगा वह चेंज यानी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर, ये फॉर्मूला कैसे आएगा? इस फॉर्मूला को लाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या देखेंगे? पहले ये वर्कडन निकालेंगे Q1 के द्वारा लाने में जो मेरे द्वारा काम हुआ, दूसरा Q2 को लाने में जो मेरे द्वारा काम हुआ, दोनों को ऐड करेंगे, देखते हैं ये फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, चलो मिटा दूं मैं। अब क्या करने जाएंगे? वर्कडन बाई एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग द चार्ज Q1। अब ध्यान से समझो कि अब इसको यहां पर थोड़ी देर के लिए अभी भूल जाओ, ये हटाया। कहां दोनों चार्ज हैं? Q1 Q2 इंफिनिटी पर है। Q1 को लाने के लिए आप ध्यान से देखो, Q1 Q2 यदि दोनों पॉजिटिव है, सेम नेचर का यदि लेते हैं, क्या करेगा? रिफिल करेगा। और बीच में आप समझो कोई एयर फ्रिक्शन ये सब कुछ नहीं है, न विंड फ्रिक्शन न एयर फ्रिक्शन कुछ नहीं है, तो ये रिपल्शन के कारण क्या होगा? खुद अपने आप आ जाएगा, चाहे उतना पोस भी नहीं हो, हल्का सा पुश मारो, क्योंकि बीच में रुकने वाला कोई नहीं है। इसको समझ में आ रहा? क्या किए? एज्यूम किए कि एयर फ्रिक्शन ये सब जीरो, जो रुकावट रास्ता में थी, रुकेगा वही सब ना। तो ये दोनों चार्ज जब इन्फिनिटी पे हैं, तो Q1 क्या करने जा रहे हैं? Q1 के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं Q1 को लाने में। तो Q1 यहाँ, तो ये या तो इसके रिपल्सिव फोर्स के कारण तो अपने आप ये भागेगा, और कोई रोकने वाला नहीं है। अब रोकना हो तो हम क्या करें? हल्का सा फोर्स लगा उसको रोक दे, नहीं तो सुन सुन भाग ही रहा है। तो आप सोच के देखो कि Q1 को तो लाने में कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा है, नो वर्क डन, वो यहाँ फील्ड भी नहीं है ना। जब फील्ड रहेगा तभी ना फोर्स रहेगा, जब कोई फील्ड नहीं, कोई चार्जे नहीं है, तो कोई फोर्स डेवलप नहीं है, तो वर्क डन कहां से होगा? इसी को ध्यान से समझने का है। Q1 Q2 Q1 चार्ज को जब यहाँ पर कोई है ही नहीं, किसी का दबदबा ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? किसी चार्ज के कारण दबदबा अपना फील्ड क्रिएट करता था। जब कोई फील्ड नहीं है, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस जिसको हम लोग बोलते हैं, जब कोई फील्ड नहीं है तो क्या होगा? वहां को ऑब्जेक्ट को लाने में कोई काम तो करना नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड बेटे? समझ में आ रही है बातें? तो Q1 को क्या आएगा? या तो रिपल्सिव फोर्स के कारण, या नहीं उतना फोर्स रहे तो हल्का से धक्का मारेंगे, अपने आप चलते हैं। जहां जाना होगा, जहां आपको रुकना है, क्या करोगे? थोड़ा सा टिक जैसा टिक लगा दो, रुक जाएगा। तो हमने क्या देखा कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग द चार्ज Q1, Q1 को लाने में तो कोई काम ही नहीं करना पड़ा, जीरो, ठीक है यहां तक? ओके, अब चलो। अब चार्ज Q1 आ गया तो ये तो अपना फील्ड क्रिएट करेगा ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सारा जो कॉन्सेप्ट पड़े हैं, सोर्स चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो फोर्स भी होगा,
अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट आर डिस्टेंस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस चार्ज को आ जाने के कारण, क्यू वन को चार्ज करने के कारण। अब दूसरा चार्ज जब लेके आइएगा तो यहाँ तो फोर्स ऑलरेडी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपके द्वारा काम करना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप काम कीजिएगा ना, अब तो वर्कडन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर किसी का दबदबा हो गया, उसके दबदबा में इंटर कीजिएगा तो एफ इक्वल टू क्यू ई, ये तो फोर्स हो गया। और इन्फिनिटी से इस डिस्टेंस तक लाने में एफ डॉट डी आर करना पड़ेगा, समझ में आ रही है बेटे। तो दूसरे चार्ज को लाने में तो हमें तो भाई काम करना पड़ेगा, दूसरा चार्ज तो अपने आप आ नहीं जाएगा, इसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन कैसे निकालते हैं, एफ डॉट डी आर, वर्क डन कैसे निकालते हैं, एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो ये तो सारे कॉन्सेप्ट, अब जो फोकस करना है चार्ज Q2 को लाने में वर्क डन कैलकुलेट करना है। ये तो जीरो हो गया, ये सारा मिटा देता हूं अब। तो सेकेंड चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला एफ डॉट डी आर, यही हम लोग जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ठीक है। इन्फिनिटी से लाने में करना पड़ेगा वर्क डन, और वो फोर्स कितना होगा ये ध्यान देने की बात है। ये देखो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब इसके रीजन में कोई भी आएगा, Q2 आ रहा है तो फोर्स इस पर कितना लग गया, Q2 इंटू ई, Q2 इंटू ई, क्लियर। अच्छा आप कहां से आ रहे हो, इंफिनिटी से आर डिस्टेंस, फोर्स और डेल आर में अपोजिट डायरेक्शन है, फोर्स और डेल आर में अपोजिट डायरेक्शन है, राइट। तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस एफ डॉट डी आर, डॉट डॉट टाइप दे, जब माइनस साइन दे दिए तो कॉस 180 डिग्री। फोर्स कितना हो जाएगा, व्हाट इज द फोर्स, Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण, K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो गया, K, एक डोनेशन में कर दें इसको, Q1 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फोर्स लगेगा, इसका वैल्यू यहां रख दे, ठीक। माइनस साइन K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, कहां से आ रहे हैं, इनफिनिटी से आर डिस्टेंस, अब 1 बटे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, 1 बटे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स हो जाता है। जो यहां पर आर स्क्वायर है तो क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो के की 1 क्यू 2 अपॉन आर इनफिनिटी से जीरो। अब वैल्यू रुक दो, अपर लिमिट पहले रखेंगे फिर लोअर लिमिट, तो ये क्या हो गया, के की 1 क्यू 2 अपॉन आर, लोअर लिमिट जब पुट करें तो इन्फिनिटी आ गया, 1 बाई इन्फिनिटी जीरो। ये क्या निकला, के ये तो खत्म ही हो गया, हम लोग शुरू में क्या यू फाइनल डिफाइन किए थे ना, यू फाइनल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग द क्यू 1 चार्ज फर्स्ट प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग चार्ज क्यू 2, Q1 के कारण वर्क डन जीरो देखे थे, Q2 के कारण कितना आया, K Q1 Q2 अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या डेवलप हुआ, वर्क पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू दो चार्ज, यदि है दो चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में क्या डेवलप हुआ, दो चार्जेज यदि हैं, दो चार्जेज हैं Q1 Q2, दो चार्ज है Q1 Q2 r डिस्टेंस पर, तो पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r, दो चार्जेज के कारण यही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया। वो सब कहानी कॉन्सेप्ट समझने के लिए अंडरस्टैंड किए,
भाई वर्क डन Q1 को लाने में कितना हो गया, Q2 को लाने में कितना हो गया, निकाले सारे सम करके ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये दो चार्ज के कारण कहानी आपने देखी, तीसरा चार्ज आएगा तब क्या होगा उसके बारे में आप सोचो। पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं तब सॉफ्टवेयर टेस्ट पे भागे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर फिर कोई काम नहीं देगा, राइट। दो चार्जेज के कारण तो ये कहानी हो गया, तीन चार्जेज रहेंगे तब कैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे उसको ध्यान से देखें। दो चार्जेज के कारण आपने समझ गया, तीन चार्जेज जब रहेंगे तब क्या होगा। जैसे मान लो तीनों को इन्फिनिटी पर रखो, पहले Q1 Q2 Q3 तीनों को इन्फिनिटी पर रख दिए, तो वहां एज्यूम कर लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो पहले Q1 को लाएंगे, ठीक है Q1 को लाए, इसके कारण वर्क डन क्या हो गया, Q1 के कारण वर्क डन बाय ब्रिंगिंग, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग द चार्ज, bringing the charge Q1 that will be equal to 0। पहला Q1 को लाने में कोई चार्ज वर्क डन नहीं करना पड़ा। अब चलो Q2 को लेके आओ, मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पर, r1 डिस्टेंस पर लेके आए यहां पर Q2 को, जो इस Q2 को लाने में अभी हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट किए भाई कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q2 को ब्रिंग करने में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग डिचार्ज Q2 दैट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 upon R1। अब दूसरे वाला में कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, अब क्या यहां पर दो चार्ज है, दोनों का तो फील्ड होगा, दोनों तो फोर्स लगाएंगे जब Q3 लेके आएंगे। अब जब Q3 लाएंगे तो ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये मान लो यहां पर हम लेके आए इसको R2 डिस्टेंस पर Q3 को, ध्यान से समझ लो नहीं तो फिर फोल्लो एक भी नहीं टच होगा। Q3 को हमने R2 डिस्टेंस पे लेके आया, ठीक है, तो इसकी ये भी चार्ज है, ये भी अपना फील्ड क्रिएट करेगा, इसके कारण भी वर्क डन होगा, और ये भी चार्ज है इसके कारण भी वर्क डन होगा, दोनों चार्ज के कारण वर्क डन होगा। तो Q2 के लाने में दोनों चार्ज के कारण वर्क डन को कैलकुलेट करके सम करना पड़ेगा, समझ में आ रही है बातें बेटे। दूसरा चार्ज ये जब लेके आए तो सिर्फ Q1 था, Q1 के कारण फील्ड क्रिएट हुआ, तो वर्क डन K Q1 Q2 upon R1। जब दूसरा चार्ज तीसरा चार्ज को लाएंगे तो भाई दो पहले से बैठा हुआ, दोनों तो अपना फोर्स लगाएगा, तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट के दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो थर्ड चार्ज को लाने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग द चार्ज Q3, Q3 को लाने में तो मान लेते हैं पहले Q1 के कारण देखे कितना है दोनों के बीच में डिस्टेंस R2, तो व्हाट यू कैन राइट K Q1 Q3 upon R2 भी है ना R2, ठीक। अब Q2 से देखेंगे कितना डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं ये R3 डिस्टेंस है, तो Q2 के कारण भी वर्क डन देखना पड़ेगा, तो प्लस K Q1 Q3 upon R3। अब टोटल वर्क डन जब निकालना होगा, पहला चार्ज के कारण 0, दूसरा के कारण K Q1 Q2 upon R1, तीसरा को लाया ये दो टर्म, कितने टर्म आ गए टोटल, तीन टर्म, पहला तो 0 ही हो गया, कितने टर्म आए 3 टर्म्स, कितने आए, तो पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 upon R1 plus K
q1 q3 अपॉन r2 प्लस k q1 q3 अपॉन r3। तो हमने क्या देखा कि तीन चार्जेज हैं, तो सिस्टम यहां आप कैसे इसको करेंगे? अब भाई इतना थोड़ी याद करेंगे, पहला को लाने में कितना, दूसरा को लाने में कितना, तीसरा करते रह जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। ये तो कॉन्सेप्ट के लिए डेवलप किए भाई ये कॉन्सेप्ट। तो जब पोटेंशियल एनर्जी जब दो से ज्यादा चार्जेज होंगे तो हम क्या करेंगे, पेयर दो का पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे, दो का पेयर बना लेंगे। अब उतना याद थोड़ी करेंगे, पहला लाए जीरो, दूसरा लाए फिर तीसरा लाए, मान लो चार को चार्ज लगा तो चौथा, फिर वो तीनों के कारण। ये रिजल्ट को अब ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, एक एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम में दो चार्ज कंसिडर किया। जैसे ये एक एक ये बन गया, एक ये बन गया, तीन सिस्टम जिसमें दो दो चार्ज। हर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। सेम लाइन में वो यहाँ तो वह चार्ज है, डिस्टेंस से मतलब है, डिस्टेंस जो रहेगा वो रखेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या डेवलप कर रहे हैं भाई, अब उतना लंबा प्रोसेस को, चलो भाई बेसिक सीखने के लिए तो जरूरी है, उतना सीखना पहले जरूरी है, जब तक वो नहीं समझ में आएगा तब तक छलांग लगाना बेकार है। जब यहाँ तक कॉन्सेप्ट डेवलप किए तो हमने क्या देखा भाई, उतना टाइम टेकिंग लगाना बहुत हर समय के लिए ठीक नहीं है। तो हमने क्या किया, दो से ज़्यादा यदि चार्ज रहते हैं तो क्या करेंगे, सिस्टम बनाएंगे और वो हर सिस्टम में दो चार्ज का ध्यान रखेंगे और देखें कितने पॉसिबल सिस्टम बन सकते हैं, कितने पॉसिबल सिस्टम बन सकते हैं। उसका भी अभी एक फॉर्मूला दूंगा कि नंबर ऑफ सिस्टम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए चार चार्ज रहा है, ये तो तीन का हो गया, ये सब जाके लेक्चर जब देखें उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पे जाके नोट डाउन सेम डेट में कंप्लीट कर लेने का। अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लीजिए, थ्री चार्जेस के कारण से देखें कितने टर्म आए, थ्री टर्म। चार चार्जेज रहे मान लो स्क्वायर, मान लीजिए आपका कंप्रेशन फाइनल कंप्रेशन दिया स्क्वायर दे दिए फाइनल कंप्रेशन और Q1, Q2, Q3 एंड Q4 स्क्वायर है तो सबके बीच में ए ए डिस्टेंस। इनिशियली चारों चार्ज इन्फिनिटी पे थे, एक एक करके सबको लाए, अब उतना लंबा हमें अप्रोच नहीं जाएंगे तो उतना करते रह जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब क्या देखेंगे, यहाँ पहले पेयर का सिस्टम बनाएंगे, कौन कौन सा पेयर बन सकता है। तो ध्यान से देखो, जैसे ए बी नाम दे दिए, सी दे दिए, डी दे दिए, तो ए टू देख लिए ए बी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यू ए बी, क्या कि सबका निकाल के पोटेंशियल एनर्जी हर सिस्टम का निकाल के उसको ऐड कर देंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम, कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे पोटेंशियल निकालते थे ना, हर चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकाल के ऐड कर देते थे, सिमिलरली हर सिस्टम में दो चार्जेज है, एवरी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके कार्य को ऐड कर देंगे। तो पहला मेरा बना यू ए बी, फिर बी सी यू बी सी, फिर यू सी डी, फिर यू डी ए बना। पहले तो कॉर्नर कॉर्नर निपटा दिए, अब ये डायगोनल वाला भी तो पेयर बनेगा, यानी ए बी ए सी यू ए सी, फिर ये डायगोनल वाला भी तो पेयर बनेगा, तो यू बी डी, देखो कितने पेयर बन गए, चार चार्जर लेने पर छह। निकालना है तो ये आसान है, क्या करेंगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए, इसके लिए के क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री अपॉन ए, सी डी के लिए के क्यू थ्री क्यू टू अपॉन ए, यू डी ए डी ए के क्यू फोर क्यू वन अपॉन ए। अब यहाँ चेंज, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गया, कितना डिस्टेंस हो गया रूट टू ए, ये रूट टू ए, तो ए सी के लिए k
Q1 Q3 डिवाइडेड बाई रूट टू ए। सिमिलरली इसके कारण Q4 डिवाइडेड बाई रूट टू ए। देखो कितना आसान। अब ऐसे सोचते पहला लाए वर्क डन जीरो, दूसरा लाए पी कैलकुलेट, तीसरा लाए पी ए दोनों चार्ज के कारण वर्क डन निकालो, चौथा लाए तीन चार्ज है तीनों के कारण वर्क डन निकालो, तो बहुत टाइम लग जाता। तो हमने क्या किया उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी दिया रहेगा प्रॉब्लम उसको सिस्टम में डिवाइड कर देंगे, हर पॉसिबल सिस्टम देख लेंगे और सारे का पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर सारे को ऐड कर देंगे। अब समस्या क्या है, ये तो ठीक है सर, चार तक तो ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम में मान लिया पेंटागन दे दे, प्रॉब्लम में पेंटागन दे दे, सब पे चार्ज क्यू 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 सेम चार्ज मानो दे दिए और सारे के बीच में ए ए ए ए ए ए। अब यहाँ पर कितने सिस्टम बनेंगे, चार में तो छह थे, तो ये हो सकता है समस्या। इसके लिए थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स दूंगा, फॉर्मूला भी दूंगा, जिससे कि आप सिस्टम नंबर ऑफ सिस्टम निकाल सकते हो, कि आपको कन्फ्यूजन भी नहीं पड़ा भाई जो हम सोचे उतना पूरा हो रहा है कि नहीं, छूट रहा है तो भाई देखते हैं कौन छूट रहा है। फॉर्मूला क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन मेडिकल वाले, सिर्फ फॉर्मूला पर आप फोकस कीजिए। फॉर्मूला क्या है, NCR सी फॉर कॉम्बिनेशन, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब प्रोबेबिलिटी आप फर्क है ना, चुनने का तरीका अलग अलग, तो ज़्यादा नहीं फॉर्मूला पर आप ध्यान रखिए। कॉम्बिनेशन क्या है, N क्या हो गया नंबर ऑफ चार्जेस, पेयर R क्या हो गया कितने चार्जेस हम लोग ले रहे हैं, दो का पेयर बना रहे हैं तो R का वैल्यू टू हो जाएगा। N क्या हो गया नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, और सिस्टम में कितने हैं आपके दो चार्जेज हैं तो R का वैल्यू टू ले लेंगे। अब इसको चेक कर लें, जैसे स्क्वायर पर पहले देखें, ट्रायंगल का ही देख लें, शुरुआत तीन था तो तीन आए थे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। फैक्टोरियल भी थोड़ा समझा दूं क्या होता है, फैक्टोरियल जैसे एन का मान लो फैक्टोरियल फोर को लिखा, इसका मतलब क्या होता है 1 × 2 × 3 × 4, इतना लंबा नहीं लिखे सीधा हम फैक्टोरियल फोर, ये चारों मल्टीप्लाई में है। मान लीजिए आपको 1 × 2 × 3 दिया हुआ है, हम फैक्टोरियल 3 लिखे, इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 × 2 × 3, फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो उतना हम लंबा नहीं लिखा, फैक्टोरियल का मतलब ये है आपको, ठीक है बेटे। आप चले ट्रायंगल वाला से चालू करें, ट्रायंगल में क्या है नंबर ऑफ चार्जेस 3, नंबर ऑफ चार्जेस 3 कितने लेने हैं 2 लेने हैं। अब फॉर्मूला फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 2 एन माइनस आर, तीन में से दो गया एक, एक लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिंपल, फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 1 × 2, और 1 तो 1 ही रहेगा जाएगा। अब यहां जो कटने वाला देखो कट के कितना गया 3 आ गया, 3 चार्जेस के लिए 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हाँ 3C2 का मतलब क्या हो गया कॉम्बिनेशन, तीन टोटल चार्जेस 3 और 2 का पेयर ले रहा है ना, 2 का कॉम्बिनेशन ले रहा है, फॉर्मूला में उसको डाल दिए। स्क्वायर में देख ले 4 है n के जगह 4C2 स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या आया, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल r 2 4 में 2 गया 2, 4 को ऑपरेट करो 1 × 2 × 3 × 4 और 2 को 1 × 2 1 × 2, ये 2 × 2 4 उड़ गया, देखो 6 आ गया, 6 है ना स्क्वायर,
राइट, पेंटागन आया तो क्या हो जाएगा, 5C2 10 आ जाएगा। ये ट्रिक है कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्रॉस चेक कर लोगे कि भाई ये कहीं इसमें छूटा तो नहीं। स्क्वायर तक काफी है, जेई में कभी कदार एडवांस में डाल देगा पेंटागन का, तो ट्रिक यही अपनाने। ठीक है, समझ में आया गुड़िया? थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ के तब कल फिर इसको निपटाएंगे और बाकी जो बचेगा। अब छोटा सा प्रॉब्लम सब पांच है तो फोर क्यूब, ये नहीं स्क्वायर वाला का है ना, स्क्वायर वाले का, स्क्वायर वाले के लिए। ठीक है, इसका 5C2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 टोटल। देखो कैसे, एक ये, फिर ये दो, फिर तीन चार पाँच, पाँच तो ये हो गया, ये गया कॉर्नर छः, फिर ये भी बनाएगा सात, फिर उसके बाद ये भी बनाएगा आठ, इस तरह से देखो ये सब पूरेंगे, फिर उसके बाद और कौन छूटेंगे, ये इसके साथ, ये फिर ये डायरेक्ट भी जाएगा, तो इस तरह से करके ये 10 टोटल पहुंच जाएंगे, इस तरह से करके 10 टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, जिस हो जाएगा ना। तो 4 तक नेट के लिए काफ़ी है, ट्रायंगल स्क्वायर पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मान लीजिए कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन पूछ दिए तो भाई फॉर्मूला जान रहे। ठीक है बेटा, मिटाऊँ इसको, जाकर सारा लिख लीजिएगा आज का। अब चलें प्रॉब्लम पे, थोड़ा बेसिक एक प्रॉब्लम कर लें कि इतना राम कहानी जो पढ़े थोड़ा तो दिमाग में जाए, क्यों पढ़ रहे हैं ये भी समझ में आए। जैसे कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, कहाँ गई थी, ठीक है, तो इक्वेटर साइड ए ए दे दिया, चार्ज इक्वल दे दिया सारे पर, क्यू क्यू क्यू, आपसे पूछेगा फाइंड दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यहाँ क्या है, इक्वेटर ट्रायंगल है, फाइंड दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी सिस्टम, फाइंड दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब उठना नहीं कहेंगे क्यू क्यू पर पहले लाए चार्ज, फिर क्यू टू को लाए, फिर क्यू टू, उतना लंबा पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये बन गया यू ए बी, दूसरा पेयर यू बी सी, तीसरा पेयर यू सी ए, ठीक है, तीन जानते हैं ट्रायंगल में तीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं, सारे का वैल्यू फटाफट रख देंगे, के क्यू वन क्यू टू, ध्यान देना है क्यू वन क्यू टू यदि निगेटिव चार्ज हो तो निगेटिव साइन के साथ रखेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के साथ, जैसे पोटेंशियल हम डिफाइन करते थे के क्यू अपॉन आर, पोटेंशियल पॉजिटिव निगेटिव किस पर डिपेंड करता था, चार्ज के नेचर पर, चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज निगेटिव होगा तो पोटेंशियल निगेटिव, उसी तरह से यहाँ भी ध्यान देना है क्यू वन क्यू टू जो है यदि निगेटिव कोई चार्ज देगा तो माइनस के साथ, यहाँ पॉजिटिव यदि दिया हुआ है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और तीनों को ऐड कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी है वर्क, क्या हम लोग जानते हैं वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तीनों को ऐड करेंगे टोटल निकल जाएगा। देखो कितना आसान है, इसको समझने के लिए बहुत दिमाग खराब करता है, ये चार्ज लाओ वो चार्ज लाओ वो चार्ज लाओ, लेकिन समरी ऑफ इसका बहुत बढ़िया है। ठीक है बेटे, एक और देख लें, उसी तरह से स्क्वायर वाला के सब दिया रहता है, वो सब आप फटाफट आप कर लोगे, जिसे स्क्वायर दे देगा ए बी सी, ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, स्क्वायर दिया रहेगा, मेंस में भी पूछेगा ये सब से, यानी स्टार्टिंग क्वेश्चन से यही है, या आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा,
बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये सारे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर दे दिया स्क्वायर है ए साइड ए, ए साइड पे चार्ज क्यू, क्यू कहेगा फाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ध्यान ध्यान देना है, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ये एक बना, ये जब लीजिए तो डिस्टेंस आप ए मत डालिएगा, डायगोनल वाला रूट टू ए, जब ये डालिएगा तो रूट टू ए, यहीं पर गलती कर देंगे बच्चे। बोर्ड एग्जाम के लिए ये इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, स्क्वायर का ट्रायंगल का ही फिक्स है पैटर्न, और नीट में तो डाल भी सकता है, ठीक है बेटे। तो इस तरह के ट्रायंगल का स्क्वायर का देगा आपको, कहेगा फाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आप थोड़ा सा अब आ जाएं हल्का सा अपना दिमाग को एक्सरसाइज देने के लिए, क्योंकि अपना टारगेट है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है नेक्स्ट एग्जाम में, तो उसको स्टार्टअप कर लेने का, क्योंकि इसको इंड करते ही, इंड करते ही कैपेसिटर को बाद में कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला को पहले हम लोग जीत लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक, आप कुछ थोड़ा सा हल्का सा दिमाग वाला प्रॉब्लम को देख लें। जैसे क्या दिया हुआ है कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये दिस इज योर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज क्यू क्यू सारे पर है, इक्वेटर ट्रायंगल है, लेंथ साइड लेंथ टू ए दिया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं कि इस ट्रायंगल देखो, ये इमेजिन ये करना है कि इसको लाया कैसे गया है, इन्फिनिटी से लेके आया गया है, इन्फिनिटी से लाए, यहाँ रखे, यहाँ रखे, और रखने के बाद यदि छोड़ेंगे तो ये तो भाग जाएंगे, रिपल्सिव फोर्स, इसको पकड़ के बांध के रखना है, यदि लेके आए, यदि आपको इसको छोड़ दीजिएगा, ये क्या है, रिपल्सिव फोर्स, इसको लाने में आप ला के सजाए काम किए, और जैसे इसको छोड़िएगा तो सब भाग जाएगा, तो इसको भाग को रोकने के लिए भी क्या हमको फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि फोर्स लगाए हुए हैं कि भागे नहीं, और इसको कंप्रेस किया, अब क्या हो गया फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ट्रायंगल का, जिसका साइड ए ए ए चार्ज तो वही रहा, दिस इज योर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज योर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। इस फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा निकालना, क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज, यानी मेरे द्वारा, बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, इसको वन मान लेते हैं, इसको टू कॉन्फ़िगरेशन, चेंज द कॉन्फ़िगरेशन वन टू टू, कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन वन से टू लाने में। अब यदि हम सोचे फोर्स निकालें, ये एफ डॉट डी आर डिस्प्लेसमेंट ए, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, होगा भी नहीं जल्दी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना, उस रास्ते से चलें कि पहले ये फोर्स निकालें, इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे फोर्स निकालें, ये फोर्स लगाए, फिर डिस्प्लेसमेंट देखें, एफ डॉट डी आर करें, तो बहुत टाइम लगेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर है उसका दबा। अब क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है ये है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये दे रहा है, तो डायरेक्टली हम क्यों नहीं पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज कर लें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यही तो ये पूछ रहा है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अब यू फाइनल और यू इनिशियल निकाल के दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, काम खत्म। अच्छा अब चलो यू इनिशियल देखें, अभी निकाले ट्रायंगल का यू इनिशियल कितना हो जाएगा, तीन पेयर, एक क्या क्या हो गया,
थ्री ए के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए है तो फोर डिवाइडेड बाई टू ए के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर के क्यू वन क्यू टू दोनों सेम है तो क्यू स्क्वायर हो गया आर हो गया टू ए तीन पेयर बने सब सेम है थ्री से मल्टीप्लाई कर दिए तीनों को ऐड कर दिए तो यही आ गया फाइनल कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह से वहाँ भी तीन बनेंगे क्या हो गया फाइनल कॉन्फ़िगरेशन यू एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए थ्री अब यू फाइनल ये हो गया इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे काम खत्म ठीक है बेटे तो ये करीब आएगा आंसर आपका जाके मिलाइएगा इसमें थ्री बाई टू आंसर इसका है थ्री बाई टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा ए बिट फाइव बाई टू के क्यू स्क्वायर बी बिट दिया रहेगा थ्री बाई टू के क्यू स्क्वायर सी बिट दिया रहेगा फाइव बाई माइनस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू के क्यू स्क्वायर फिर डी दिया रहेगा माइनस थ्री बाई टू के क्यू स्क्वायर इस तरह से ये आप क्वेश्चन आपके मेंस और नीट लेवल के आएंगे ठीक है बेटे अब एक दो रहेंगे कल करके इसको क्लोज कर देंगे नेक्स्ट वीक से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या कल थोड़ा सा बेसिक देखेंगे टाइम लगेगा तो उसको भी चालू कर देंगे ठीक है बेटा इसको आज जाकर सारा आराम से देख के सब लिख के क्योंकि इससे भी ये क्वेश्चन पक्का है हर साल पोटेंशियल एनर्जी से ये क्वेश्चन आपका नेट में श्योर शॉर्ट रहेगा इसको जाकर बढ़िया से लिख लीजिए